नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं स्पेसिफिक न्यूज़। भाई, टाइटल आपने पढ़ी लिया है कि एक इकलौता व्यक्ति पूरे शहर को सैनिटाइज कर चुका है। 90% से ज़्यादा इलाका जो है शहर का सैनिटाइज कर चुका है। फिलहाल हिसार शहर का जो इलाका बरवाला हल्के के अंदर आता है उसको सैनिटाइज कर रहा है। सुबह से और शाम तक जो है ये सैनिटाइजेशन का सारा काम चलता है। सामने आप सैनिटाइजेशन की टीम देख पा रहे होंगे जो हर गली के अंदर जो है प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज कर रही है घरों को, गलियों को। और ट्रैक्टर चलाने वाले हैं खुद रामनिवास राणा। जी हाँ, ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं हिसार की देख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस नेता रामनिवास राणा जो है सैनिटाइजेशन अभियान चला रहे हैं। इकलौते अपने दम पे ही पूरे शहर को सैनिटाइज कर चुके हैं। 90% शहर कवर हो चुका है। कुछ एकाध इलाके जो हैं गिने चुने बचे हुए हैं और वो भी आजकल में करने की तैयारी है। तो चलिए रामनिवास राणा जी से एक बार बीच में बातचीत करेंगे, पर दिखा देंगे किस तरीके से जो है सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हर एक घर के गेट के दरवाजे को जो है प्रॉपर ढंग से सैनिटाइज किया जा रहा है। बीच रस्ते जो भी इनके आता है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो चलिए रामनिवास राणा जी से एक बार हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार कब से जो है ये कर रहे हैं, क्या इन 26 दिन से पहले भी ये लगे थे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बढ़िया सर। मुझे ये बताइए कि कब से जो है आप लगे हुए हैं सैनिटाइजेशन के इस काम के लिए? आज हमारे को 27वां दिन है। तो पूरा हिसार में समझ लो आप 90% तो हमने हिसार हल्का हिसार कर दिया। ठीक है। और अब हम 2-3 दिन से बरवाड़ा हल्के में बड़े हुए हैं, मील गेट क्षेत्र में। ठीक है। पूरा मील गेट क्षेत्र जो है कल या परसों तक पूरा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मील गेट क्षेत्र में बरवाड़ा हल्के में 7, 8, 9 तीन वार्ड आते हैं। हाँ। और तीनों वार्डों को पूरा करके फिर गांव में बढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन से गांव को पूरा कवर करने की तैयारी कर रखी है? हमारा जिस तरह से रायपुर है, रायपुर की ढाणी है। हाँ। शिकारपुर है। हाँ। खरड़ है। मिर्जापुर है। मिर्जापुर, न्याणा, खोखा, खरखड़ी, मैयड़, बगाणा, लाडवा, डावड़ा, मीरका, ये एरिया पूरा करके बरवाड़ा शहर करेंगे। तो हमारी टीम जो है चल्लू रहेगी, बंद नहीं होगी। ठीक है। तो हमारी बहन कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष है, उसके आदेश के अनुसार हम जो है इस कार्य में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर जो है पूरा हिसार बरवाड़े का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी माता पूर्व मंत्री सांत्री जिंदल के आदेश के अनुसार भी उनका भी आशीर्वाद हमारे पर प्राप्त है और हमारी बहन शैलजा का आदेश है, इसलिए हम जो है इस कार्य में मेरी पूरी 10 लड़कों की टीम आज 27वां दिन है लगातार लगी हुई है। 2 शिफ्ट बनाई हुई है, एक सुबह करती है, एक 3 बजे से लेकर रात को 9, 9:30, 10 बजे तक। तो क्या आपके लड़के ही रोज लगे रहते हैं या आप भी रोज आते हैं या कभी कभार आते हैं? नहीं, तकरीबन 80-90% मैं तकरीबन साथ रहता हूँ, ट्रैक्टर तकरीबन मैं चलाता हूँ। मेरा रहने का मकसद सिर्फ लोगों से मुलाकात और कोई भी गली, कोई भी शहर में घर सैनिटाइजर बगैर ना रहे। इसलिए यही कारण है कि मैं साथ रहता हूँ। कल ने मुझे कोई उलाना ना दे, भाई मेरी गली रह गई, मेरा घर रह गया। इसलिए मैं साथ रह करके मेरी आंखों के सामने कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे कायदे से ये उलाना तो जो है हमारे नगर निगम का बनता है जो हर गली दरवाजे तक नहीं पहुँच पाए। नगर निगम ने तो 2020 में भी कुछ नहीं किया, हमने पूरा हिसार शहर किया, पूरा हल्का किया, हिसार का हिसार बरवाड़ा शहर किया। उसके बावजूद हमने 24 गांव भी किए बरवाड़ा के। ठीक है। लेकिन हिसार में तो पिछली बार खाने का देने का काम भी नगर निगम ने नहीं किया। जी। 2 करोड़ रुपए उनके पास पिछली बार आए थे 2020 में, उसमें उन्होंने 55 लाख रुपए जो है खर्चा दिखाया। ठीक है। तो 1,45,00,000 रुपए अब भी उनके पास जमा पड़े हैं। हमने तो आज तक हिसार शहर में उनको सैनिटाइजर देख करते हुए नहीं देखा। ठीक है। और आप जनता से
कहीं भी पता कर लीजिए, हिसार में नगर निगम जो है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर कोई भी कोई खाने का या किसी गरीब आदमी का पुचाने का अगर पीछे भी काम जो किसी ने किया है तो हमारे जो संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारे जो संस्थान हैं, जो धार्मिक संस्थाएं बनी हुई है, जैसे धर्मशालाएं बनी हुई है, गुरुद्वारे बने हुए हैं, उन्होंने सहायता करने का काम किया। उन्होंने खाना बना करके उसमें गाड़ियों में भर भर के जो है मजदूरों तक वो जिसको खाना की जरूरत थी वहां तक पहुंचाने का। दूर की बातें हुई, नजदीक थोड़ा आते हैं। क्या रामनिवास राणा या उनकी टीम जो है प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के सारे पर सिर्फ सैनिटाइजेशन करवा रही है या राशन बांटने जैसे और सामाजिक काम भी आप लोगों की टीम करवा रही है? मेरी टीम के अलावा जैसे मैंने सैनिटाइजर का काम किया हुआ है, हमारे और भी है, खोवाड़ साहब है और टीम में भी और बंदे हैं, ठीक है, वो खाने का काम भी कर रहे हैं जी। तो अलग अलग से टीम बनाई हुई है, ठीक है। हमारी बहन सैलजा ने जब ये कोरोना महामारी का लॉकडाउन शुरू होने होया उस टाइम में हमारे 90 विधानसभा में हमारी अलग अलग 90 विधानसभा हरियाणा में अलग अलग जो है टीम के बंदे लगा दिए गए थे, उसमें हिसार की मेरी जिम्मेवारी दी गई थी, हमारी बहन कुमारी सैलजा ने उसका हम पालन कर रहे हैं, बेखूबी पालन करेंगे और आगे भी हमारी बहन सैलजा जी का जो भी आदेश आएगा, हमारी माता जी सांत्री जिंदल जी का आदेश आएगा उस पर हम खरे उतरने का काम करेंगे। आज हमारी कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा में पूरे हलके में जो है पूरी टीम जो है हमारी सैलजा बहन के आदेश के अनुसार दिन रात एक करे हुए है जनसेवा में। राजनीतिक व्यक्ति हैं तो जो सरकारी या जो आपकी पार्टी कमान के जो आका हैं वो आदेश दे रहे हैं या जो आपको कह रहे हैं आप कर रहे हैं, इसके साथ ही सामाजिक व्यक्ति भी हैं, समाजसेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं। पार्टी के अलावा अगर बात करूं, जो पार्टी की तरफ से आदेश है उनके अलावा हटके रामनिवास राणा जो है आम जनता के लिए, अपने हिसारवासियों के लिए आज के दिन क्या कर रहे हैं? महामारी में तो हमारी बहन सैलजा ने आदेश दिए हैं। वैसे तो मैं तो सामाजिक तौर पर पहले भी रात दिन इस कार्य में लगा हुआ था, सामाजिक कार्य में, चाहे वो धार्मिक कार्य जैसे चाहे अपना भंडारा हो, चाहे अपना कोई बाबा का जागरण हो, कथा हो, ऐसे कार्य तो मैं जाता रहता हूँ और करवाता रहता भी हूँ। धन्यवाद आपका जी जी। तो ये थे रामनिवास राणा जो कि हर एक घर के अंदर, हर एक गली के अंदर जाकर के जो है सैनिटाइज करवा रहे हैं अलग अलग घरों को, अलग अलग जगहों को, और इकलौते ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हिसार शहर के लगभग 90% घरों को, 90% इलाके को सैनिटाइज करवा चुके हैं और ये जो उनकी टीम है फिलहाल सैनिटाइजेशन के लिए लगी हुई है। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी पिक न्यूज के साथ। नमस्कार। एक बंदा बैठा खड़ा ना उनकी और बात कर यहाँ के लोकल। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। मुझे बताइए, लोकल एरिया से हैं ये रामनिवास राणा जी की तो टीम यहाँ पर आई, उससे पहले भी कोई आया है क्या? उससे पहले कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। बल्कि 20-25 दिन पहले जब अभियान शुरू किया, इन्होंने पूछा था शहर में किया जाए क्या, फेसबुक पे भी डाल के पब्लिक से ही पूछा था। तो हमने भी अपील की थी उनसे पहले भी बार बार कि नगर निगम तो नहीं संभाल रहा, राणा साहब पिछली बार की तरह आप इस शहर को संभाल लीजिए। बिल्कुल, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इनसे रिक्वेस्ट की। वैसे भाजपा भी इसी शहर, हमारे जो विधायक हैं, मेयर हैं, इसी शहर के हैं, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, उनके पास भी गए थे क्या रिक्वेस्ट? आपने देखा उनको? क्वारंटाइन हो रहे होंगे वो तो। नहीं, वो लोग तो क्या है, पिछली बार जब हमने देखा ना, इन्हीं ट्रैक्टरों के आगे खड़े होकर उनके पार्षद सेल्फी ले रहे थे सैनिटाइज करवाते हुए। जब मैं आगे निकल के देखा तो राणा साहब के बैनर लगे हुए। अच्छा। तो ना तो पिछली बार आए, अभी आप सवाल कर रहे थे ना, तो मेरे को लगा कि जैसे राशन वगैरह आया निगम का, वो गौ अभ्यारण का चारा ही खा गए, राशन तो कहाँ छोड़ना था उन्होंने। तो इसलिए ना जो है शहर के जो शुभ चिंतक ही है ना, और ऐसे सेवक की जरूरत है आज के टाइम। संभल के रहिए, कटाक्ष कर रहे हैं आप, केस हो सकता है आप कटाक्ष कर रहे हैं, वो है
मुकद्दर है जो केस है, केस तो भगत सिंह और ने भी झेले थे, एक और से ही पैदा हो जाएगा, ऐसा कोई धन्यवाद सर। तो भाई खबरों का सिलसिला यही तक, बाकी शहर के अपडेट्स अब तक लेकर के आती रहूंगी, देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी पिक न्यूज के साथ। नमस्कार।